एक तरफा जीत नहीं होगी, चौंका देंगे नतीजे, चुनाव से पहले बोले शशि थरूर। सांसद शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को उनके खिलाफ वोट करने के लिए कहा जा रहा था। कुछ दिन पहले उन्होंने न्यूज चैनलों से बात करते हुए कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर साहब के पास मत जाना, गांधी परिवार संतुष्ट नहीं होगा। हालांकि हमारे इलेक्शन अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने ऐसा कहा है कि कोई उम्मीदवार है तो यह सही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि मुझे यकीन है कि जो लोग कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीत की उम्मीद कर रहे हैं वे नतीजे देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसा 1997 और 2000 के चुनाव में हुआ था उसी तरह वोटों की गिनती के साथ में परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने बताया कि 1997 में सीताराम केसरी, जिन्होंने शरद पवार और राजेश पायलट के साथ त्रिकोणी मुकाबले में भारी अंतर से जीत हासिल की थी, वहीं 2000 में सोनिया गांधी के हाथों जितेंद्र प्रसाद को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में मैं जीतूं या खड़गे, लेकिन जीत केवल कांग्रेस की मायने रखती है। मेरा उद्देश्य 2024 के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करने को कहा जा रहा है। पीटीआई ने इसे बातचीत करते हुए तरुण का दावा कि कई वोटर्स को उनके नेताओं ने मेरे प्रतिद्वंदी का समर्थन करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अंतिम समय में गुप्त मतदान के दौरान वह मुझे वोट दे सकते हैं। थरूर के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। इन्हें गांधी परिवार से निकटता के कारण अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। शशि थरूर से पूछा गया कि क्या कुछ नेता वरिष्ठ नेताओं के डर से उनका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर थरूर ने कहा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि कई लोग जिन्होंने इस तरह के कारणों से अब तक खुले तौर पर मेरा समर्थन नहीं किया है, मेरे कुछ अभियान कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, उन्होंने निजी तौर पर मेरा समर्थन करने के लिए कहा है। 1997 और 2000 जैसे चौंकाने वाले आएंगे नतीजे। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होगा और गुप्त तरीके से मतदान करवाएगा, जिसमें उम्मीदवार और उनके एजेंटों के सामने दिल्ली में सीलबंद मत पेटियों को खोला जाएगा। इसके बाद वोटों की पहले एक साथ मिलाया जाएगा और उनकी गिनती शुरू की जाएगी।